6. Now moving on next chapter, fractions, exercise 5. Fractions चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं. तो आइए फ्रैक्शन एक्सरसाइज 5 है पे हम लोग चलते हैं. तो बुक में इसको देखते हैं, ये एक्सरसाइज 5 है. क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या करना है? राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि कितना शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो देखिए बहुत सिंपल है. करना क्या होता है, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि टोटल कितना है. टोटल कितना है, पार्ट 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट है. कितना पार्ट शेडेड है, कितना पार्ट शेडेड है, 1, 2, 3. तो 3 पार्ट शेडेड है, टोटल है 4. तो आपका कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शन, 3/4 जितना शेडेड है. याद रखिएगा शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताना है हमें. तो 3/4 ऐसे इसको गिनेंगे, 1, 2, 3, 4 पार्ट में है, 1 पार्ट कलर्ड है तो 1/4. 1, 2, 3 पार्ट में है, 2 पार्ट कलर है, 2/3. ऐसे ही सारा इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, बुक में ही राइट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें क्या है, शेड 4/9 ऑफ द गिवन फिगर. ये गिवन फिगर है, इसमें से 4 को ही आपको शेड कर देना है. कोई भी 4 आपको शेड कर देना है, पेन से, पेंसिल से, किससे भी आप शेड कर दीजिए बस. नेक्स्ट पे आते हैं. इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4, कह रहे हैं कि गिवन फिगर में अगर हम बोले कि शेडेड रीजन 1/4 है, देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट. एरर फाइंड कीजिए. तो देखो बेटा एक बात ध्यान दो, जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो इक्वल इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं. इक्वल इक्वल पार्ट में, याद रखना. जैसे अभी ऊपर फिगर देख रहे हो तो सब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड है, लेकिन यहां तुम देखोगे तो यहां अनइक्वल है. यहां देख रहे हो ना, यहां अनइक्वल डिवाइड है. तो इसलिए हम इसको नहीं कह सकते कि ये 1/4 पार्ट है. लिखा हुआ है द होल ट्राइंगल इज नॉट डिवाइड इंटू इक्वल पार्ट. सिंपल, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, इसीलिए एरर है इसके अंदर. यही एरर है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है. फोर्थ में आते हैं, हमको क्या देखना है, नंबर नेम दिया हुआ है, नंबर राइट करना है, यानी कि फ्रैक्शन का नेम दिया है और फ्रैक्शन राइट करना है. तो 3/4 तो 3/4, 2/5 2/5, 1/8 1/8, 9/8 8/9. समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल है, ऐसे ही सॉल्व कर लेना इसको. आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं. राइट डाउन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. तो सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर राइट करना है. तो आप जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, ठीक है, अपर होता है न्यूमरेटर, डाउन होता है डिनोमिनेटर. बस यही राइट करना था. दिख रहा है आपको क्लियर? राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच. फ्रैक्शन राइट करना है जिसमें न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है. तो न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 8 है, तो राइट कर देंगे फ्रैक्शन 3/8. समझ रहे हो ना, न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 12 है, तो क्या राइट कर देंगे, 5/12. क्लियर? आइए सेवेंथ पे चलते हैं. अच्छा, फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी इसका फ्रैक्शनल नंबर राइट करना है, यानी नेम राइट करना है वर्ड्स में. तो 2/3 है तो हम लिखेंगे 2/3, 2/3. 4/9 4/9, 2/5 2/5, 7/10 7/10, 1/3 1/3, 3/4 3/4. समझ रहे हो ना, ऊपर का तो पूरा रेड करेंगे 3 और नीचे 8th 9th 14th 11th 15th, इस तरीके से राइट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट. 24 मिनट, 1 आवर का कितना पार्ट है, कितना फ्रैक्शन है, ये हमें फाइंड करना है. तो 1 आवर में कितना मिनट, 60 मिनट. तो 24 मिनट का बताना है कितना पार्ट है. तो 24 / 60 डिवाइड कर दिया, यानी 24/60 कट किया गया, क्या आया, 2/5. 12 के टेबल से कट किया गया, आया 2/5. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24, तो लिखेंगे 2/5, ठीक है, 2/5 लिखेंगे. हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 2/5, हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 2/5, राइट कर देंगे. कॉपी में इसको राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को. यहां तक तो मान लीजिए आप बुक में भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 से आप कॉपी में सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 से 9 देखिए. हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर फ्रॉम 2 to 10. 2 to 10 के बीच में कितना नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहले राइट करेंगे नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10 इक्वल टू, ये राइट कर देंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट कर दिया.
फिर पूछा इसमें व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, इसमें से कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो लिखेंगे नाउ प्राइम नंबर्स आर, प्राइम नंबर क्या है इसमें 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स हैं। फिर इसमें पूछा कि व्हाट फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन प्राइम नंबर है, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, कितना प्राइम नंबर है 4, टोटल कितना है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 है और उसमें कितना प्राइम नंबर है 4, तो फ्रैक्शन होगा 4/9। अब ये देखते हैं डिटरमाइन करना है कि कितना पेन होगा, 2/3 of 15 तो कितना आएगा, 2/3 of 27 कितना आएगा, इस तरीके से। तो हमें करना क्या है, देखो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हम जानते हैं, तो 2/3 of 15 है तो 3 के डबल से कट हो जाएगा क्योंकि ये अपर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। तो हम जानते हैं जब भी हम कट करते हैं हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट होता है, ठीक है, अपर और लोअर, ऊपर और नीचे ही कट होता है, याद रखिएगा। तो ये 15 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 है, ये याद रखिएगा, इसीलिए 3 of 15 कटा ऊपर नीचे। तो 3 के डबल से 15 काट दिया गया 5 टाइम में, 2 5 10। और पेंस लिखना मत भूलिएगा, यहां मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ये कॉपी में आपको करना है क्लास, ठीक है, तो यहां पेन राइट कर दिएगा। ऐसे ही 2/3 है तो इसको कट कर दिया 3 के टेबल से 9 टाइम में, 2 9 18। फिर यह है कट किया गया 12 टाइम में, 12 24। 4 से टेबल कट किया गया 16 को, तो आ गया 4 3 12, ये हुआ। फिर 4 से इसको कट किया गया 7 6 21, रैकेट्स ये सब जो है वो राइट करिएगा 21 रैकेट्स, इसको कट किया गया 8 6 24 बुक्स, ठीक है। अब आइए 12th नंबर पे चलते हैं, तो 12th नंबर है नीलम हैज 25 पेंसिल्स, तो पहले ये स्टेटमेंट राइट कर लेंगे, फिर सेकंड स्टेटमेंट राइट करेंगे, शी गिव्स 4/5 ऑफ देम टू मीना। देखिए 25 पेंसिल्स थी नीलम के पास, 4/5 उसमें से उसने मीना को दे दी। हाउ मेनी पेंसिल्स डज मीना गेट, मीना के पास कितने पेंसिल है, तो पेंसिल डज मीना गेट इक्वल टू 4/5 of 25, 4/5 of 25, 25 का है ना 4/5 हिस्सा दे दिया, पार्ट दे दिया, तो उसको करेंगे तो 5 के डबल से काट दिया 5 टाइम में, 5 4 20 पेंसिल्स मीना को मिला। अब कितना पेंसिल नीलम के पास बचा है भाई, तो टोटल 25 था, उसने 20 दे दिया, कितना पेंसिल बचा, माइनस कर देंगे 5 पेंसिल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ये जो फ्रैक्शन है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको ध्यान से देखिए, इसको मैंने कॉपी में सॉल्व किया है, कैसे करना है ध्यान से समझिए नंबर लाइन पे। तो सबसे पहला है 3/8, इसको रिप्रेजेंट करना है हमें, तो हम सबसे पहले स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1-1 सेंटीमीटर का निशान लगा लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे निशान लगा दिए। अब देखिए 3/8 है तो नीचे जितना होगा उतने पार्ट में इसको बांट देंगे, 0 से 1 के बीच में उतने पार्ट में इसको बांटेंगे, याद रखिएगा। तो देखिए 1 part 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8/8 का मतलब क्या 1, क्योंकि 8/8 कट जाएगा 8 से, तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 8/8 मतलब 1, तो 0 से 1 के बीच में मैंने 8 पार्ट में इसको बांट दिया। हमें रिप्रेजेंट करना था 3/8, तो जहां पे 3/8 आएगा वहां पे हम उसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे कि ये हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। वैसे ही ये देखो 5/9 है, 5/9 है तो पहले हम 0 से 1 तक के बीच में कितना डिवीजन करेंगे, 9 डिवीजन करेंगे, 9 इक्वल पार्ट में इसको तोड़ेंगे, तो जहां 9/9 आएगा वहां क्या लिखेंगे 1, 9/9 मतलब 1, तो 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9 और 8/9 ये राइट हो गया। 5/9 हमें शो करना था तो जहां 5/9 है वहां सर्कल कर देंगे, नंबर लाइन पे शो हो गया। ऐसे ही एक और देखिए 4/7 है, तो 4/7 है तो डिनोमिनेटर जितना होगा उतना भाई उतने पार्ट में हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे इक्वल पार्ट में, इसीलिए स्केल से 1-1 सेंटीमीटर पे एकदम बराबर डिस्टेंस, 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप इसको करेंगे। तो जहां 7/7 आएगा वहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वहां मैंने 1 लिख दिया, तो 0 और 1 के बीच में 7 डिवीजन इक्वल डिवीजन मैंने किया, तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 मतलब 1, 4/7 हमें रिप्रेजेंट करना था तो 4/7 जहां है वहां सर्कल कर देंगे। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को। तो ये एक्सरसाइज जो है 5 पे ये फिनिश होता है, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 से जो है आप सॉल्व करेंगे कॉपी में, बाकी आप बुक में भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्लास, थैंक यू।